मध्य रात्रि का वक्त हो रहा है और गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त शालिग्राम शिला पहुंची है। नेपाल की गंडकी नदी से निकली हुई शालिग्राम शिला यहां पहुंची है और गोरखनाथ मंदिर में इस शिला के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां से ये शालिग्राम शिला होकर के गुजरी वहां वहां लोगों का पूरा हुजूम उमड़ पड़ा एक तरह से देखने के लिए इस शिला को और अपने भाव व्यक्त करने के लिए। आज कितना खुशी का दिन है आप यहाँ आए हैं दर्शन के लिए। बहुत बड़ा ही खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, यहाँ दर्शन आप कर पा रही है। इस समय आधी रात का वक्त हो रहा है लेकिन आप यहाँ पर हैं जी। आप बताइए आज का मौका ये कितना खास है, क्योंकि ये शिला अब रामनगरी को रवाना कर दी जाएगी लेकिन गोरखनाथ मंदिर में अभी दर्शन के लिए रखी गई है। देखिए ये बहुत ऐतिहासिक का दिन है जो आज हम लोग इसके सरोकार खड़े यहाँ पे देख रहे हैं। ये बहुत अनंत कोट की ये जो शिला शालिग्राम यहाँ से जा रही है गंडक नदी से, ये इसी की मूर्ति का स्थापना होगा यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि का। अनंत कोट अनंत काल तक यही वहाँ विराजमान रहेगा, उसके हम लोग इसके सौभाग्य कि इसका दर्शन हमको प्राप्त। हम देख रहे हैं कि लोग छूकर भी देख रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ ज्यादा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि आप परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे पता चला कि आठ बजे लगभग पता चला कि मंदिर में शालिग्राम आकर रुकेगी, हम आकर 8 बजे से इंतजार पे लगे हुए हैं। इन्हीं के साथ अपने 8-10 दोस्तों मित्रों के साथ आए, उन लोग तो चलेगा, हम अकेले ही रुक कर इंतजार किए। करीब 1 बज गए हैं अभी, 1 बजे तक यहाँ पे इंतजार। देखिए तो ये है मध्य रात्रि का वक्त, 1 बज रहा है लेकिन यहाँ पर शालिग्राम शिला के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन।